मांग बस इतनी है कि हमें इंसाफ चाहिए। अब ये रोज़ रोज़ हमसे नहीं सहा जाएगा। हम हिंदू हित में अगर हनन हुआ तो हम सब रोज़ की तरह ही हैं। हम आज पूरा दिन यहीं बैठने वाले हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हमारी मांगे हैं कि आगामी रविवार तक हमें इंसाफ मिले, जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी की सज़ा हो, और आज के बाद हर आतंकवादी, मैं इनको आतंकवादी ही कहूँगी, ऐसा करने से पहले कि रूह का हमारे किसी भी हिंदू का सुनी हुई है। अभी हम डीएम चौक पे बैठे हैं और जल्द से जल्द आने की है। आप देख सकते हैं खुद ही कितने लोग हैं। अभी हमारी आधी कितनी महिलाएं हैं तकरीबन 100 से ऊपर महिलाएं हैं। आप कहां से आ रही हैं? मैं सेक्टर 137 नोएडा से, मेरा नाम दीक्षा है। संगठन का जो आयोजन किया है वो बजरंग दल के नेतृत्व में किया जा रहा है, लेकिन ये पूरा हिंदू समाज खड़ा हुआ है। जो पीड़ित हिंदू है वो आज हमारे साथ में खड़ा हुआ है। पूरे देश भर में आज आंदोलन हो रहे हैं। हर्षा की जो हत्या नृशंस की गई है उसके विरोध में सभी हिंदू समाज के सारे संगठन आज सड़कों पर हैं, और ये सरकारों को चेतावनी है कि अगर अभी नहीं जागे तो फिर कल का दिन हमारा होगा। शुरुआत उन लोगों ने की है, खत्म हम लोग करेंगे। अगर मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि हर्षा के हत्यारों को तुरंत पकड़कर उनको उनके अंजाम तक भेजा जाए, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए, उनके परिवार में कम से कम 1 सरकारी नौकरी दी जाए, उनको कम से कम 4 रूम का आवास स्थान उपलब्ध कराया जाए, और पूरे देश भर में जो हिजाब का प्रयोग शुरू हो गया है देश को तोड़ने के लिए, नया शाहीन बाग बनाने का जो प्रयोग शुरू हुआ है उसको तुरंत बंद किया जाए। किसी भी सरकारी संस्थान और शिक्षण संस्थान के अंदर कोई भी लड़की, भले ही वो हिंदू हो अन्यथा किसी विशेष जाति की हो, हिजाब और बुर्का पहनकर नहीं आएगी। अगर हिजाब और बुर्का पहनकर आएगी तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उनको अपने तरीके से भुगत लेंगे, उनके हिजाब को हम उतार लेंगे।